चंडीगढ़ क्लब आन ते मैं दिल दियां गहराइयां तो निघा स्वागत करदा। मैं तुहाडी इंट्रोडक्शन अमरपाल सिंह जी साडे हुशियारपुर तो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, मनजीत सिंह जी साडे जाटवा सभा दे पुराने साथी, गुरतेज कौर जी सिद्धू चंडीगढ़ दी महिला दी प्रधान, रजिंदर सिंह जी बरेड़ी चंडीगढ़ दे प्रधान, दुनी चंद जी साडे आल इंडिया तो स्पैशली अज मैडम जी दी नूं आशीर्वाद देण लई नियुक्ति वास्ते आल इंडिया जाटवा सभा दे सीनियर वाइस प्रधान साडे आए ने। ए रीतू सिंह जी मान बहुत सालों तो साडे नाल आल इंडिया जाटवा सभा च काम कर रहे ने, लीगल सैल दे हरियाणा दे प्रधान ने। अजैब सिंह जी जनरल सैकटरी साडे पंजाब दे और इंचार्ज जनरल सैकटरी। चीमा जी प्यार नाल असीं बब्बू चीमा जी कह दिंदे, नाम इन्हां दा परमिंदर है। ये जनरल सैकटरी ने भी जाटवा सभा दे, अर्जुन साडा पुराना साथी मानसा तो साडा प्रधान ने, अपना कुंवर जी साडे चंडीगढ़ दे जनरल सैकटरी, कलेर साहब नूं अजे लैणा होया जाटवा सभा। मैं गरीब किसान का बेटा गुरदासपुर, मेरा जिला पिंड मेरा हरपुरा, फ्रीडम फाइटर फैमिली नूं बिलोंग करदा। मेरे पिता जी ने काले पानी की 60 साल की सज़ा कट्टी सी जेतो दे मोर्चे च। मैं 25 साल तो जाटवा सभा च काम कर रहा हूं एज ए सीनियर वाइस प्रेजिडेंट आल इंडिया जाटवा सभा। पंजाब दियां सिचुएशनां नूं वेखदे होए साडी आल इंडिया जट महासभा ने अंदोलन तो एक महीना पहला, दुनीचंद जी भी आए सी, जोधवीर जी आए सी, जलंधर च मीटिंग करके ये जिम्मेवारी पंजाब दी, यार बोलो ना जरा थोड़ा, जिम्मेवारी पंजाब दी जड़ी है, पंजाब दे प्रधान दी जिम्मेवारी के पंजाब च चंगी तरह दुरुस्त करन वास्ते जट महासभा नूं लोकां दियां दुख तकलीफां उपर लेके जाण वास्ते, उन्हां दा नबेड़ा करन वास्ते। और मेन काज जिहड़ा साडा सी ओह ए सी कि जिहड़े किसान साडे 3-4 महीने तो लगातार 6 महीने तो अंदोलन कर रहे सी, उन्हां दी आवाज़ किसे ने, साडे प्रधान जी ने, पुराने प्रधान जी ने नहीं उठाई। असीं आ के किसान जथेबंदियां दे हुक्मां अनुसार पूरे देश दे विच साडी जाटवा सभा काम कर रही है, बंगाल तो लैके गुजरात तक। और तुहानू जाण के खुशी होवेगी कि जथेबंदियां दा साथ साडी आल इंडिया जाटवा सभा अखाब पंचायतां दा, तुसी रोज़ पढ़ते हो दिल्ली दे 400 किलोमीटर एरिए च सारियां जथेबंदियां दे नाल रल के जाटवा सभा एक खाप पंचायतां दा जड़ा जड़ी जिम्मेवारी आ वो निभा रही है पूरी। और जथेबंदियां दे हुक्मां दे थल्ले असी सारे काम जड़े आ, जो भी सानू वो हुक्म करदे आ, किसान अंदोलन दे विच 4-5 महीने तो पूरे दा पूरा हिस्सा अपना पा रहे हैं। एक गल दी बड़ी खुशी है कि पंजाब दे जुझारू किसानां ने, मजदूरां ने, किसान जथेबंदियां ने एक ऐसा नारा मारिया कि देश दे मोढ़ी बन के, किसानां दे मोढ़ी बन के इन्हां ने अंदोलन की शुरुआत की। ते अज अंदोलन इस शिखर ते आ, इस मुकाम ते आ कि ये अंदोलन हुण पंजाब दा हरियाणे दा अंदोलन नहीं, ये पूरे देश दा अंदोलन है और असी इहदा साथ दे रहे हैं। मैनू बड़ी खुशी होएगी ये दसदिया होया आल इंडिया जाटवा सभा नूं पंजाब च मजबूत करन वास्ते, जनता विच मजबूत जनाधार बनाउण वास्ते अपना जनाधार जाटवा सभा दा, किसानां दा जनाधार मजबूत बनाउण वास्ते साबका विधायक डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी नूं आल इंडिया जाटवा सभा पंजाब दी
महिला विंग दी प्रधान अज नियुक्त किया गया है। उन्होंने पंजाब विच महिला विंग नू मजबूत करन दी जिम्मेवारी सौंपी गई है। नाल ही दुनिया जी नाल ही असी मैडम साहिबा नू ये भी हक हकूक दे रहे हैं कि वह पूरे पंजाब दे विच अपनी टीम महिला विंग दी तैयार करनगे, जो ये चाहेंगे वो ही करनगे, असी ते इन्हां दे नाल चलांगे, लेकिन सारे अधिकार मैडम जी नू दिते जांदे आ। ऑल इंडिया जट महासभा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तिने काले कानून है जड़े जी खेतीबाड़ी कानूनों नू रद्द करके काले तिने कानूनों नू रद्द करवाना चाहती है। किसान जथेबंदियों के नाल जो भी वो हुकम करनगे असी उन्हां दे नाल आ। ये तिने काले कानून जड़े आ खत्म होने चाहिए आ, वापस लेने चाहिए सरकार नू। और जड़ी MSP है तुसी जानते हो सारे, मैं ज़्यादा नहीं बोलना, पत्रकार साहबान ये कहते हैं कि सानू पता MSP सिर्फ पंजाब ते हरियाणे दो फसलों से सानू मिलती जे, ते सेंटर गौरमेंट नू कहती है कि 23 फसलों से असी ये दिती आ। असी हरियाणा पंजाब च MSP ते चाहुंदे आ, नाल असी पूरे देश 23 फसलों ते MSP दी मंग करदे आ कि गरंटी दिती जावे, कानूनी गरंटी दिती जावे कि 23 फसलों ते पूरे देश दे विच MSP दिती जावे। समाजिक कुरीतियां जड़ियां साडे जट समाज च साडी बरादरी च हैगियां बहुत सारियां, तुसी जानदे हो कि असी ब्याहां ते बेतहाशा खर्च कर दिंदे आं, कुड़ी मुंडा जदों व्याहुंदे आ ते लखां करोड़ां रुपये अपनी होण तों वध खर्च करके ते असी अपना नाम बनाउंदे आ, लेकिन ओह कर्जे दे थले दब जांदे आ। भ्रूण हत्या बारे असी गल करनी आ और बच्चियां नू पढ़ाउण दी गल करनी आ। इन्हां गल्लां वल भी जाट महासभा ध्यान देवेगी। एक मुद्दा बहुत पुराना, जदों CM साहब बने सी उन्होंने वादा किया सी और बादल सरकार ने 9 स्टेटां दे विच साडे कोल रेजरवेशन है जी, OBC का रेजरवेशन है 9 स्टेटां च और सेंटर का रेजरवेशन साडे कोल राजस्थान दे विच आ। और उस समय दी सरकार ने बादल सरकार ने कैबिनेट विच कानून पास कर दिता सी पर नोटिफिकेशन नहीं सी होई। असी CM साहब को डिमांड करते हाँ कि जेड़े क्रीमी लेयर तो थले गरीब किसान ते गरीब जट ने उन्हां नू OBC विच शामिल किया जाए और 5 एकड़ तो थले जेड़े भी किसान भरा ने जट भरा ने उन्हां दा कर्जा माफ़ किया जाए, बिजली दे बिल जड़े वो अद्धे किए जाण और पीण वाले पानी का जड़ा बिल आ वो बिल्कुल माफ़ किया जाए। मैं इन्हां शब्दों के नाल बहुत बहुत धन्यवादी तुहाडा सारिआं दा, प्रेस वालिआं दा, आए हुए अपने सारे जाट महासभा दे मैंबर साहिबान दा, डॉक्टर नवजोत कौर जी सिद्धू जी दा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशीर्वाद दो जी। आदरणीय डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, जो हमारी अभी पंजाब प्रदेश की महिला साहित्य की प्रेसिडेंट नियुक्त की गई है और हम उम्मीद करते हैं ऑल इंडिया जाट महासभा की तरफ से ये प्रधान बनने के बाद अपनी स्टेट की बॉडी बनाएगी और हर डिस्ट्रिक्ट में अपने प्रेसिडेंट बनाएंगे महिला सेल के, और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो होंगे महिला सेल के वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनाएंगे, तो उससे हमारा जो जाट सभा का ध्येय है वो पूरा होगा और हमारी औरतें जो हैं पंजाब की वो जाटों के इसमें जो हमारा सम्मेलन है इसमें जुड़ेंगे। देखिए ये जो ऑल इंडिया जाट महासभा है, मैं इसके बारे आपको थोड़ा सा बता दूँ
जाट महासभा ऑल इंडिया जाट महासभा 1907 में रजिस्टर हुई थी। ये बाकी की जो बाद में बनी है ना, ये कुछ और कारण है, अपने अपनी मर्जी से लोग बनाते चले गए। ये 1907 में चौधरी भगवान सिंह होते थे ICS अफसर, उन्होंने बनाई थी। उसके बाद इसके चौधरी छोटू राम भी प्रेसिडेंट रहे हैं। इस संस्था के एक मुसलमान जाट होते थे, वो भी संस्था के प्रेसिडेंट रहे। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। और उसके बाद भरतपुर वाले जो राजे हैं वो इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। उनके बाद दारा सिंह जी प्रेसिडेंट बने थे, दारा सिंह जी प्रेसिडेंट रहे हैं। लेकिन दारा सिंह जी की वो राज्यसभा के मेंबर बनाए थे BJP ने, और उनकी मौत के बाद फिर हमने 5-6 महीने ये देखा भी जो ऑल इंडिया में या वर्ल्ड में फेमस जाट हो उसको बनाओ। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हमने मई में पटियाला शिमला में मीटिंग करके एग्जीक्यूटिव बॉडी की ऑल इंडिया की, तो इनको यूनानिमस प्रेसिडेंट बना दिया था। तो आज हम इसी तरह से हमारी डॉक्टर मैडम को भी प्रेसिडेंट बनाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि ये पॉलिटिशियन भी हैं, MLA भी रही हैं, और ये जाट सभा के साथ औरतों को जोड़ेंगी, क्योंकि हर आदमी अपनी कम्युनिटी के काम करता है तो हमें भी करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी था। और हरपाल सिंह जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया के, लेकिन पंजाब में काम थोड़ा धीमा हो गया था। पहले प्रेसिडेंट हमारे जो थे वो MLA बन गए, तो फिर हमने जालंधर में पीछे मीटिंग की थी तो युद्धवीर जी और मैं आए थे, तो हरपाल जी को हमने वहाँ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है पंजाब का, ताकि ये पंजाब में सारा संगठन मजबूत बनाए जाटों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए, स्टेट की बॉडी बनाए। तो ये बड़े एक्टिव है, ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं इनके फादर, और बड़े अच्छा काम करते हैं। हम 20-25 साल से इकट्ठे ही चल रहे हैं ऑल इंडिया जाट महासभा में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बहन डॉक्टर नवजोत और सिद्धू ये इस काम में कामयाब होंगी, और सारे समाज में ये अपना इकट्ठा करेंगी, जाट सभा को बहुत कामयाबी मिलेगी। जय। एक लेटर दे दिए मैडम को, दो मैडम साहब का एक मैडम साहब लो बोले सो निहाल। कर दो एक मिनट, थोड़ा सा गलत कर दो एक मिनट। आई हार्टली वेलकम ऑनरेबल डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू। इनकी इंट्रोडक्शन देने की मुझे लग रहा है कि इनकी नेसेसिटी नहीं है। फॉर्मर एमएलए पंजाब से, और बहुत ही फ्री और फियरलेस बोल्ड लेडी है। उम्मीद है अपना परफॉर्मेंस बखूबी निभाएंगी, और मैं इनका इस अखिल ऑल इंडिया जाट सभा को ज्वाइन करने के लिए ऑल इंडिया जाट सभा के सभी मेंबर्स की तरफ से, स्पेशली श्री हरपाल सिंह हरपुरा और ऑनरेबल दुनीचंद जी, उनकी तरफ से का आभार व्यक्त कर रही हूँ। थैंक यू। अब मैं बेनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा नवजोत कौर सिद्धू जी, डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी को कि वो कुछ शब्द बोले। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सारी प्रेस का, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स दो दुनीचंद जी, हरपाल सिंह हरिपुरा जी, तो जिन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी सारे का। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि सिद्धू परिवार ने हमेशा वही पोजीशन लेती है जिस चलो उन्होंने लगता है कि वो कोई कम करके दिखा सकते हैं। जदों भी किसान उतने बैठे हैं बॉर्डर पर, तो मेरे दिल से बहुत तकलीफ है। मैं लंगर भी लाए असी अद्धे रस्तियाँ च रहे, क्योंकि किसानों ने कहा सीगा कि कोई पोलीटिकल लीडर साढ़े कोल ना आवे। मैं नहीं चाहती सी कि मैं कितने भी कोई अजिहा काम करा जिथे उन्होंने अंदोलन के कोई क्वेश्चन मार्क हो। कोई दिन नहीं बीतिया जदों मैं अरदास, मेरी डबल नहीं हुई, मैं 3-4 घंटे
सोशल मीडिया पर नहीं रही ये देखने लई ते ये डर लई कि कितने सेंट्रल गवर्नमेंट कितने होर कोई स्टेट समझ ना बैठे पंजाब नूं पंजाब दा खून बहुत डिफरेंट है शुरू तो रेवोल्यूशनरी रहा है मैं यही डर रहा हमेशा कि कदे इन्हों कमज़ोर समझ के पंजाब दे जटां पंजाब दे लोगों कमज़ोर समझ के कोई अहिजा कदम ना बॉर्डर पर उठा लैन जिथे सारे पंजाब का खून खोल जे ते थानू भी पता है कि आप मरण मरान दे उस ते कंडे ते आ जाने जिथे अपने इज्जत का सवाल आंदा है जदों तक कोई छेड़दा नहीं अज तक किसी पंजाबी ने कुछ नहीं किया फार्म लॉज लियान की जरूरत की पई जदों कोरोना की महाकाल सी महामारी सी जून के महीने च लियाने जदों कोई बजट सैशन नहीं है कोई डिस्कशन नहीं हो रही कि यहोजी एमरजेंसी पैगी रेप के अगेंस्ट लॉ नहीं आई मर्डर के अगेंस्ट कोई यहोजी लॉ नहीं जी इमीजिएट 30 दिनों के अंदर अंदर जी फैसला हो जाएगा हफ्ते के अंदर अंदर रेप का फैसला हो जाएगा वो इंपोर्टेंट नहीं है 50% जनानियां रिप्रजेंट कर दी हैं इस देश नू उन्होंने नाल की कुछ हो रहा जी अज जो 50% जनानियां खुल के बाहर काम करन तो दुगनी तरक्की ना होवे थानू देश च दिखे थानू उत्थे एमरजेंसी नहीं लगी कितने होर एमरजेंसी कोई आपदा आ जाती है कोई स्टेट डुब रही है किसी चीज़ कोई आपदा आ गई थानू उत्थे एमरजेंसी नहीं लगी थोनू जदों किट्स मंगानियां सीगियां थोनू डॉक्टरां दी घाट नज़र आई कोरोना दे टाइम च थोनू एमरजेंसी नहीं लगी कि असी मेडिकल कॉलेज अनाउंस करिए थोनू एमरजेंसी नहीं लगी कि असी नर्सिंग नू स्टाफ नू इन्ना ट्रेन करिए या असी वो इक्विपमेंट पहुँचाइए लोगों को लेकिन लोग बीमार ना हो अज तक मैं प्रपोजल जदों की मैं हेल्थ CPSA बनाई हुई है कि हेल्थ कार्ड मैंडेटरी होना चाहिए बंदे का कि हर बंदे नू कोई फैसिलिटी ना मिले जब तक वो रेगूलर चैकअप ना करावे ओदा फायदा की है ओदा फायदा ये है कि कोई बंदा थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज किसी भी डिजीज़ दी नहीं पहुँचूगा आप पहला पढ़ लेंगे बहुत सारिया गल्लां हैं जिहड़ियां एमरजेंसी होंदियां ने तुसी लॉज ले आए बिना डिस्कशन दे ले आए बिना एमरजेंसी तो ले आए कोई तैयारी की कोई ग्राउंड लैवल की तैयारी की है पंजाब नू मारन दे पूरे तरीके लभ ले पंजाब ते हरियाणा नू हड़पन दे तरीके लभ ले लग्या भी बहुत सारी लैंड है बाकी स्टेट्स तो इन्नी लैंड है नहीं है ना पंजाबी लोग हैं इन्हों की लैंड ले लो इन्हों की लैंड पर वड्डे वड्डे पूंजीपति बिठा दो क्योंकि तैयारी नहीं कर दी तुसी सानू साल दे दो तुसी सानू साल दो असी तैयारी करते हैं तुसी जिवें अंबानिया ते अडानिया नू छूट दिंदे हो तुसी उन्हां नू लीज़ ते लैंड दिंदे हो सानू लीज़ ते लैंड दो ना मैं अपने यंगस्टर्स नू ट्रेन करती हाँ हर पांच पिंडां दे पिछे कोल्ड स्टोरेज खोलदी हाँ मेरे किसान नू पता होवे मैं गोभी लावां आलू लावां कुछ लावां हर पंजाब दा जिहड़ा पांच पिंडां दे बंदे हैं असी उत्थे स्टोर करांगे ताकि उहदा कैपेसिटी दा होवे ना किसी नाल आर्ग्यू करन दी तुसी अज तैयारी ग्राउंड लैवल दी करनी रहे उहनां नू लैंड 500 एकड़ दी लैंड दे रहे हो उहनां लई रेल गड्डियां चला रहे हो भी जाके इत्थों इहनां दा अनाज चक लियाओ फिर मोनोपली करवा दो एक कल्ला किसान नहीं हर बंदा मरेगा जदों मोनोपली होगी अपनी मर्जी नाल समान अपने रेट पर बेचणगे जदों जी करूगा तुसी अज तक जाने हो वॉलमार्ट हाइपर सिटी जाने हो उत्थे कोई सौदा आप करते हैं मैं बाजार जानी हाँ मैं सूट खरीदना मैं 10 दुकानों पर घूमती हाँ मैंने जिते सस्ता लगता ठीक लगता मैं उतो लैनी हाँ मैं पढ़ी लिखी हाँ तुम पंजाब में इन्ना पढ़ा लिखा बनाता तुम हिंदुस्तान में इन्ना पढ़िया लिखा बनाता कि हर बंदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी सब्जी बेच लेगा एक एकड़ वाला दो एकड़ वाला अपलोड कर लेगा अपनी गाजर अपनी मूली उगाई है अपनी गोभी उगाई है अपलोड कर देगा उदी स्पेसिफिकेशन दस देगा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गल कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तुम दसिया भी तुम इनकम टैक्स लाओगे जी टैक्स फ्री इनकम है उन्होंने पता है जो 10,000 कमाएगा 10,000 खर्च दोगे बाद कहोगे 3,000 वापस करो टैक्स लगना सी स्टेट रेवेन्यू सारा लेके जाना चाहते हो साड़ी स्टेट मंडी च जाता है तो जोड़ा टैक्स लेने वो यूज़ होंगे रूरल डिवेलपमेंट लिए सारे पता है भी मंडी जोड़ा आंदा है वो रूरल डिवेलपमेंट या रोड्स बन दी है सारा तुम वो सारा सेंटर के कंट्रोल लैके आना चाहते हो तुम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया पिंड वालू किसान को सिखाया नहीं समझाया नहीं तुसी क्वालिटी के बेसिस पर जदों आपां ओपन मार्केट च जावांगे सब तो जरूरी गल याद रखियो क्वालिटी कंट्रोल नाम आएगा जदों अमेरिका दे साइंटिस्ट आए इत्थों हिंदुस्तान आए वापस भज गए वो कहिंदे हिंदुस्तान दे लोग धन है किवें जिंदा है इत्थे कोई भी सब्जी
कोई भी चीज़ यह जी नहीं है जिदे पोल्यूशन नहीं है, जिदे पेस्टिसाइड की मार नहीं है, जिदे फर्टिलाइजर गलत पाया हुए है। तुसी अपनी सोयल टेस्टिंग कराई है, थोड़ी तो मिट्टी मिट्टी नहीं रही, सोने की मिट्टी नहीं बनी। सानू 6 महीने दो ना, असी सोने की मिट्टी बना लाँगे। पहला डंगर रखते सी, गावां ते मंझां पालते सी, पैसा कमाते सी, दुध ते कंट्रोल कर लिया। मैं CPSC में छापे मारे सारे पासे, ते तुसी देखिया अज तक 70% नकली दुध मिल रहा। किसान ने दुध बेचना क्यों बंद किया? क्योंकि तुसी लोग पाउडर का दुध रिफाइंड पाके, रिफाइंड ऑयल पाके, चाइना तो पाउडर आंदा। मैं चेक कराया, थोड़ा हूँ चेक करा दिनी हाँ, जिधर ताकत मिली चलो मेरे नाल, मैं थोड़ा दिखानी हाँ ना पंजाब च दुध किवें मिलता है। तुसी रेट फिक्स किया भी भाई मझ का रेट बढ़ गया, गां का रेट बढ़ गया, पट्ठे का रेट बढ़ गया, उन्होंने पालन का रेट बढ़ गया, उदी कोई गां मर जाए, मझ मर जाए, उदी कोई इंश्योरेंस है नहीं, उन्हें दुध बेचना बंद करता। तुसी लोग नकली दुध पी के खुश हो रहे हो, वो कंपीट नहीं कर पाया। मैं पानी की चेकिंग की, तुसी पानी ठीक नहीं पी रहे, तुसी ISI का मार्क रहा, हजे तक पानी के कंट्रोल नहीं कर पाए। जिहड़ा बंदा ईमानदारी के नाल अज तुहानू पीन वाला पानी दिंदा ISI मार्क का, उहदी फैक्टरी बंद है। पर जिहड़ा अपने घरे RO लगा के नॉर्मल पानी से RO लगा के बेच रहे, उहदा पानी चल रहा मार्केट, तुसी कंट्रोल कर लिया। तो जदों तुसी ऑनलाइन आओगे, जदों तुसी इंटरस्टेट गल्लां करदे हो या तुसी दूजी कंट्रीज च गल करदे हो, उदों असीं कित्थे खड़ांगे? साडा तां सोयल टेस्ट नहीं पास होना, साडे नाल कौन बंदा कारोबार करूगा? साडी क्वालिटी नहीं ठीक होनी, तुसी सानू क्वालिटी टेस्टिंग किट्स दित्तियां। सारे लोग तुसी देखदे हो रस्ते च केले देखदे हो, अद्धे पीले अद्धा हरा, थोनू समझ है भी वह क्यों अद्धा पीला अद्धा हरा है? तुसी कदे देखे केले दे रेहड़ियां जदों कच्चे केले जांदे हो कित्थे जा रहे हैं? वह एसिड दे टब च जा रहे हैं, कलर चढ़दा है। थोनू पता है खुले मटर कितने जाते हैं? चलो मेरे नाल मैं दिखानी हाँ, रंगा च डुबाए जाते हैं ताकि हरी सब्जी लगे। थोड़ी वो सब्जियाँ कौन कंट्रोल करेगा? तुसी बाबा रामदेव नू तां नाल खड़े होके कहने हो कि हाँ जी बाबा रामदेव का समान लो बेच लो, बाकी कंट्रीज जाके पुछो भुगा के मारी फाइल। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं हुंदा, नहीं निकलता। एक बंदा इन्नी प्रोडक्शन किवें कर सकदा? उहदे कोल अद्धा हिंदुस्तान की जमीन है, उहदे कोल अद्धे हिंदुस्तान दीआं गावां मझां ने, जिहड़ा उह इन्ना दुध दा घिओ बेच रिहा, किवें सप्लाई कर रहे? तुसी क्वेश्चन कीता कदे? बाकी लोगों तो ही ले रहे हैं ना, ते आम किसान किवें मरिया? तुसी छोटा 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 किसान मार के वड्डे अपने 5% आड़ियां नूं सारा समान देना चाह रहे हो, क्योंकि तुसी क्वालिटी दे बेसिस ते तुहानूं मार मारनी मारनी है। तुसी लॉज दे विच इन्ने हिडन एजेंडास पाए हैं, तुसी फार्मर लीडर्स दे नाल यूनियंस दे नाल बैठ के डिस्कस करते फिर लॉज पास कर लेते, खाली किसी तैयारी करन दा टाइम दिता जिवें डिमोनेटाइजेशन च नहीं दिता, सोयल टेस्टिंग नहीं कराई, क्वालिटी कंट्रोल नहीं समझाया, पेस्टिसाइड के कपले नहीं फड़े। सानू कोई बंदा आया, कोई तकड़ा बंदा आया, कोई पोलिटिकल पार्टी नाल एसोसीएटेड सी, पेस्टिसाइड बेच गया, असी पेस्टिसाइड पाता इन गुड फेथ, असी वो सीड भी यूज कर लिया। पर जदों तुसी उन्हों चेक करोगे, तुसी कहोगे तो पेस्टिसाइड इफेक्टेड है, मैं तो नहीं खरीदता, किसान कितने जाऊगा? फिर तुसी बन्ने हुए हो, तुसी ना उन्हों दे सकते हो, ना बाजार सुतन जोगे हो, ना फिर तो तुसी मरण किनारे हो, क्योंकि थोड़े कोई इलाज नहीं। तुसी पेस्टिसाइड वाले नूं कंट्रोल नहीं किया, तुसी क्वालिटी सोयल कंट्रोल गंदी हो रही है उन्हों कंट्रोल नहीं किया, तुसी मैनू कोई कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड नहीं किया, तुसी मेरे यंगस्टर्स नूं जिवें मानियां डानियां नूं फ्री लैंड दिंदे हो, तो यूथ जिहड़ा खाली है पंजाब दा उन्हों लैंड दो ना, हर 5 पिंडा पिछे दे दो लीज ते लैंड, 100 साल की लीज ते दे दो, कि दो तैनू सबसिडी दिना, कोल्ड स्टोरेज खोल, किसानां दी रख, समान रख, जदों बिकेगा उहदे पैसे नाल एडजस्ट कर लियो। तुसी इंटरस्टेट वर्क किया नहीं वर्क किया? तुसी किन्नियां ट्रेनां चलाईयां जी? अज मेरा किसान कहेगा मैं ट्रेन ते लैके जाना, मैं ट्रक ते लैके जाना, उहदा ट्रक किन्नी जगह उहदे तों पैसे लिते जांदे हैं, हर मोड़ ते हर जगह उहदे तों पैसे लिते जांदे, वो पैसे कटाएगा, वो किवें स्टोर करके अपना समान लेके जाएगा, कित्थे बेचेगा, कि स्टेट च जाएगा, उत्थे उहदी पहलां गल हुई हुई है कि वो इन्ना एजुकेटेड ते स्मार्ट है कि उन्हें पहले ही उहदे नाल गल कीती है भी तू मेरा समान इत्थे चेक कर लै ते मेरा समान तू पक्का खरीदेगा, कि उहदे लई ट्रेन शुरू कीती। किसानां दी ट्रेनां नहीं शुरू होंदियां, डानी ट्रेन तुहानूं याद आ गई, किसानां लई ट्रेनां नहीं बनदियां समान ट्रांसपोर्ट होवे। T3 टर्मिनल है दिल्ली दा, सारियां फ्लाइटां उत्थे उतारनियां जरूरी हैं, लंडन दी फ्लाइट है, सारियां फ्लाइटां ने
ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਰੱਕ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੋਡੀ ਬਣਾਏਗਾ SDM, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੋਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। SDM ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। DC ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। DC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਗਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ DC 'ਤੇ, ਨਾ SDM 'ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਆਫਿਸਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਲੜ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਛਿਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੂਫ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਉਹਦੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 5,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਦਿਨ 5,000 10,000 ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ, ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀ ਗੋਭੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਭੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਤੀ ਸੀ, ਸੀਵਰ ਲਿਆਤਾ, ਤੇਰੀ ਸੀਵ 'ਚੋਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਆਲੂ ਠੀਕ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿਉ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਦੋ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ? 30% ਬੱਚੇ, 70% ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਿਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੋ ਯੂਥ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਰ ਕੰਟਰੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਗਿਣਾਓ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, 60% ਸੀ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ 50 ਰਹਿ ਗਈ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ? ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਟਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਸ ਅਫੀਮ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 4 ਗੁਣੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਉੱਧਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ, ਕੌਣ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਲਏਗਾ? ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣਾ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਏਗਾ? ਕੰਟਰੀ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਬਾਰਡਰ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨਰਸ ਲਾਓ, ਦੋ ਪੈਸਾ ਨਾ ਸਕੈਨਰਸ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਨ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਬਾਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੁੱਟੋ ਸਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਵਨਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੋ ਏਕੜ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ? 36% ਦਲਿਤ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, 2% ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਣ, ਆਪਟ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਿਊਕਰੇਟਿਵ ਬਣਾਓ। ਖੋਲ੍ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਲੀਨਰੀ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ ਵੇਚ, ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੇਚ, ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵਧੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ MLA ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੇਂਗ ਸਕੇਲ ਲਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਂਗ ਸਕੇਲ, ਕੋਈ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਈਏ, ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਈਏ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਥ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਯੂਥ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਐਤਕੀ ਆਹ ਲਾਈ, ਐਤਕੀ ਗਾਜਰ ਲਾਈ, ਆਹ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਗਾਜਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਵਿਕੂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 5% ਮਾਲ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੀਲੋ ਖੋਲ੍ਹ, ਤੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹ, ਤੇਰਾ ਸੀਲੋ ਜਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਮਾਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100% ਦਊਂਗਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 100% ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ APMC ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਟੇਟ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਕੀਲ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਦਿਓ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਦੇ ਦਿਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਟਰੱਕ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ IT ਸੈਂਟਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ 200 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 200 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਨਾ,
होमवर्क तुम भी तो त्याग करके दो अपनी आई टी सेल तो भी भाई किसान मैं ऑप्शन दिना तू ऑप्शन से जा आ लै आ तू 200 ट्रेडर गल कर असी एक क्यों गल करिए असी 200 नाल करांगे तू किन्ने दी 25 दी तू 30 दी जिहदा सानू वधिया लग्या सानू टिक करके बेच दांगे पर यह काम किसान का नहीं है ये यूथ का है ये यूथ की इंप्लॉयमेंट का है उहदे लई ओह सेंटर्स खोलने पैणगे सो ये हल्के जे रीजनस है क्योंकि मन दे वलवले है सोल्यूशनस भी पता है सो धन्यवाद करदी हाँ द्वारा क्योंकि बहुत सारा कुछ है बहुत लंबा अपने ख्याल है अपनी सोच है ये टीम नू स्ट्रोंग बनाना है एंड इहदे विच कोई सिफारशी बंदा नहीं मैं लेना हूँ सब तो वड्डी गल है कि जिथे किसान बैठे हैं धरनिया ते वो बॉर्डर तो ही चक के प्रधान लेके आने ये जिहड़े मसां कट्ठे होए हैं ना ये जिहड़े आके अलग हो जाते हैं उत्थे ही इन्हां नू फड़ लैन भी आ जाओ हूँ जो उत्थे जाके अड अपनियां पहलियां पिछे लड़दे हो है ना सरपंचा को जाके अपना वो नहीं करते कदे पुलिस थाने जाके धक्के खाने हो कदे कोर्टा च जाके धक्के खाने हो छोटी छोटी गल पिछे तो जे आपस च दोस्ती कर लो तो बड़ी अगे जा सकते हो तो दोस्ती करो ना कट्ठे पिंडा दे हो के वो करो तो फिर जनानियां अगे लेके आनी है जिन्नी उत्थे बैठी हैं सारियां चक लेनी है जिहड़ी जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट दी है सारियां नूं इनरोल कर लैन कि जे हुण उत्थे धरने च बैठे हो तो साडी तुसीं साडी ग्रुप दीआं मैंबर्स हो वापस आके भी एनजी काम करना है ये बंदियां दी लड़ाइयां च नहीं पैना पुलिस थाने जाके धक्के नहीं खाने कोर्ट कचहरियां च धक्के नहीं खाने अद्धे पैसे तो ये गवा ले है ना लोन फैसिलिटी उन्होंने लोन माफ है साडा लोन जे इन्ना ही प्यार है मोदी जी इन्ना वड्डी लॉ लैके आनी सी पहला कह देंदे किसान तेरा सारा लोन माफ मैं तेनों नवी तरीका नवी टेक्नीक सिखाना पुराना लोन तो माफ कर असी तो करजे चाह डुबे हुए असी की काम कर लेंगे साड़ी तो कुड़की है साड़ी तो घर की कुड़की कर लेंगे कदे मिनट ला दे एक किश्त ना दो आ नहीं जाते थोड़ा जिन्नी कुड़कियाँ ऐतकी हुई हैं अखबार खोल के देख लो अद्धा अखबार की होंगे कुड़की हो गई अद्धे अखबार च कोरोना करके लोग किश्तां नहीं दे सके कुड़कियाँ हो गई आही किसानां नाल करना पहला माफ़ करो फिर सानू तरीके दसो साल दो साल का टाइम दो साड़ी यूनियनज़ नाल बैठो सानू दो कारपोरेट्स नहीं तीन नहीं अंबानी अडानी बाबा रामदेव नहीं सानू 200 कारपोरेट चाहिए हैं जिन्हां कोल साडे कोल चॉइस होवे असी गल करांगे एंड गल किसान नहीं करूगा साडा जिहड़े आई टी सैल दे आ बनणगे ना जिहड़े आ मैंबर्स बनणगे किसान यूनियन दे लीडर्स वो गल करेंगे भी हुण असी तैयार हाँ असी तैनू मदद करांगे तू आऊगा पहला तो 6 महीने से इन्हां नू मिट्टी ठीक करन नू लगनगे फिर सानू पेस्टिसाइड दे स्यापे चो निकलना पऊगा क्योंकि वो तो बिकना ही नहीं सारा समान सानू पेस्टिसाइड के गंद चो निकलना पऊगा सानू नैचुरल पेस्टिसाइड पर आना पऊगा उन्हां दी ट्रेनिंग कित्थे है तुसीं पहला बड़ा चंगा लगता जे तुसीं सेंटर तो टीमां भेजदे पिंड पिंड ते ट्रेन करदे साउथ तो भेजदे ना साउथ वालियां ने पेस्टिसाइड बंद करता उत्थे खेती उन्हां दी तां मध्य प्रदेश की कणक पंजाब वाले खा रहे हैं क्यों खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेस्टिसाइड हटाता तो सानू सिखा दो असीं भी हटा देंगे सानू की शौक है पैसे खर्च के पेस्टिसाइड यूज़ करिए सानू उस लेवल से तो लेके आओ भी असी एक लेवल प्लेइंग फील्ड देिए जिते साडा समान बिके सो फिर मैं दोबारा धन्यवाद करती हाँ जट महासभा का दोनों वाइस प्रेजिडेंट्स का पूरे डिस्ट्रिक्ट हैड्स का जिन्हें सारे इतने आए हैं मैं इनकरेज करने लिए एंड मैं श्योर भी करती हाँ कि जी जान ला के मेहनत करूँगी जिथे हो सकया उत्थे जाऊँगी अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो किसानों नूं तां ऐतकी हारन दिंदे देखो ये तो साडा भी संकल्प इत्थे तां साडा भी संकल्प बणिया होया क्योंकि जे अज किसान हार गया तो पंजाब हार गया ये गल सारे याद रखन जे अज किसान हारिया तो पंजाब हारिया फिर आपां दोबारा उठ नहीं सकांगे जिहड़े रोटी खिलांदे ना सानू जे आपां उहदे नाल गद्दारी करती ना तो परमात्मा ने भी माफ नहीं करना जिहड़ा अन्न दिंदा ना तीन टाइम रोटी खाने एंड वो अपने लिए नहीं लड़ रहा वो बाकियां ने भी लड़ रहे हैं वो अपने जोगी तो उगा लूगा चार फुल रख लूगा पर थोनू जो जाके 800 रुपये का फुल लेना पेगा ना तो फिर एक खीरे की प्राइस तुनू 80-100 रुपये मिलेगी ना फिर सेक लगेगा जाके क्योंकि उही पैकेटां च उन्होंने देनी है जो मोदी का स्टाइल है भी उन्हू नवा धोवा के उन्होंने चंगा जहा रैपिंग करके उसके ऊपर एक स्टिकर ला के है ना वो सोचता है भी 80-80 रुपये की लेनी पेगी रोटी तो खानी है ना मजबूरी हो चुकी वो नहीं होने देना एंड इस सारियां का फर्ज बनता है कि पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करके ये वाल चलन असी जरूर एश्योर करते हैं कि एक्टिवली फार्म यूनियनज़ के नाल
उन्होंने नाल भी इंटरैक्ट करांगे। सानू सब दी लोड़ है, सानू सेंट्रल गवर्नमेंट दी लोड़ है, सानू स्टेट गवर्नमेंट दी लोड़ है। असी पॉजिटिव वे नाल जावांगे, असी गालां कढ़न वाले चो नहीं आ। असी मोदी जी कोल भी जावांगे, असी तोमर कोल भी जावांगे, पर असी पॉजिटिव लैके आवांगे। असी बहस करांगे उन्हां दे फार्मर्स किसानां दे बेसिस ते बहस करांगे, किसानां नू भी समझावांगे भी मिडल वे लभी है, ये कोई हल नहीं है। कोई मिडल वे तो आना पौगा ना, वापस आके भी तो पहुँचने अगे। सो प्रोग्रेसिव जरूर चलांगे। द्वारा मैं थोड़े सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। धन्यवाद मीडिया पर्सन ऑल इंडिया जाट महोत्सव के अहुदेदार साहबान, खास करके डॉक्टर नवजोत कौर जी सिद्धू, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। असी इन्होंने साड़ी जिहड़ी एक बेनती असी करी थी भी तुम साड़ी बीबियां की कमान संभालो पंजाब की, तो इन्होंने स्वीकार करी है, तो इन्होंने जिम्मेवारी संभाल ली है। मैं चंडीगढ़ स्टेट वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता सारी पत्रकार साहबान का, ऑल इंडिया जाट महासभा के मैंबर साहबान, अहुदेदार साहबान, खासकर अज के नवे महिला प्रधान पंजाब डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी का फतह। सारे आए हुए प्रेस वाल बंधुओं का, ऑल इंडिया जाट महासभा के सारे मैंबर साहबाना का, और खास करके जुजारू नेता साढ़े डॉक्टर नवजोत जी सिद्धू का, जिन्होंने बड़े टाइम सिर आ के सानू नवाजिया। और मैं विमेन एम्पावरमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग गल करती हूँ। मैं अपने आप से अपने आप को किसी तो घट नहीं समझती। सो नवजोत सिद्धू अपने क्वेश्चन आप आंसर करे, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन है, मेरी क्वालिफिकेशन के बेसिस से मैनू इन्होंने जो काम सौंपे है मैं उस अपना पूरा 100% करके दिखाऊंगी। उन्होंने की पंजाब लिए सारियां नू पता है, वो बारे वो आंसर करेंगे। टाइमिंग परमात्मा ने करती है, मैं तो जवाब दे वो परमात्मा ने की है, वो सोलमेट्स से इकट्ठे चल दी आत्मावा तो इन्हों बनाने कैप्टन साहब का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं। ऑल इंडिया जट महासभा के चौधरी जुधवीर सिंह जी जो साढ़े जनरल सैकटरी आ, उन्होंने चिट्ठी नाल ये बने आ। एग्जैक्टिव की मीटिंग तो बाद ये फैसला लिया गया। मैं भी उस एग्जैक्टिव कमेटी का मैंबर है, क्योंकि सीनियर वाइस प्रेजिडेंट ऑल इंडिया जाट महासभा का, हूँ मैं पंजाब का प्रधान भी है। नाल ये फैसला साड़ी एग्जैक्टिव की कमेटी ने, ऑल इंडिया जाट महासभा ने लिया। आ जुधवीर सिंह जी के जनरल सैकटरी जी के साइन है ये, प्रधान पंजाब का उन्होंने बिलकुल कोई सार नहीं ली जाट महासभा की। और असी दुखी उदो हो गए जो किसान अंदोलन शुरू होया, तो किक्की ढिल्लों साहब ने, MLA साहब ने, साडे प्रधान जी ने एक भी हा दा नारा किसान अंदोलन वास्ते नहीं मारिया। साडी ऑल इंडिया जाट महासभा जिहड़ी आ ये कोई चलदी फिरदी जाट महासभा नहीं, 115 साल पुरानी जाट महासभा आ। 9 स्टेटां 'च रिजर्वेशन लै चुके हैं। साडी सभा ने यह फैसला किया कि असी किसान अंदोलन की हमायत करनी है, लेकिन पंजाब दे विचों पूरी हमायत नहीं हो रही। असी हुण पूरे जोर शोर नाल जिन्हें भी बनाए पहले उन्होंने अहुदेदार सी के MLA ने बनाया सी के मंत्री ने बनाया सी, सारिआं नूं असी हटा के अपने नवें प्रधान बना रहे। जिले के 8 जिले असी प्रधान बना चुके हैं, थोड़े दिनों तुसी देखते जाओगे
कि असी पूरी की पूरी पंजाब की जी टीम इनू जागरूक करांगे, नवी टीम बनावांगे, लोगों से जोश आएगा और 40 जथेबंदियां जड़ियां साड़ियां किसान जथेबंदियां उन्होंने आदेशों अनुसार जो सानू हुक्म करनगे असी वही काम जाटवां सभा पंजाब च तुसी शायद देखते नहीं। असी 3-4 दिन पहला पुतला फूको मोदी का अंदोलन शुरू किया है ब्लाकों च जिले च। कल असी रोपड़ का नवा प्रधान नियुक्त कर रहे हैं, उत्थे भी मोदी का पुतला फूकांगे। 85 पिंडा की पंचायत आ जिन्होंने टोल टैक्स कुराली और अपना रोपड़ दे विच जिहड़ा टोल टैक्स पैंदा 85 पिंडा की पंचायत है जिहड़ी उन्होंने वो टोल टैक्स बंद किया और उत्थे धरना दिता। उत्थे असी कल मोदी का पुतला साड़ना और फिर प्रेस क्लब होएगी रोपड़। इस जाट महासभा फैसला लेगी, मैं कला फैसला नहीं ले सकता। जे ऑल इंडिया जाट महासभा की एग्जैक्टिव की मीटिंग करांगे उहदे च फैसला जो भी लिया जाएगा वह तुहानूं दस्सां। नहीं मैं तो अपनी एग्जैक्टिव कमेटी के नाल ही चलांगा ना। नहीं राय तो मैं अपनी दस दी आ कि एक्टिव नहीं है। कटना शब्द नहीं मैं बोलिया। किक्की ढिल्लों साहब नूं असीं हटा चुके हैं पूरी तरह और नवी कमेटी बन रही है पंजाब च रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और साडे जुझारू नेत्री डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू जी दे नाल पूरा सहयोग देंगे जदों पूरी पंजाब की कमेटी बनाएंगे ये जिले के प्रधान बना स्टेट च बना इन्हों खुली असी वो देखेगी कमेटी देखेगी। नवजोत सिंह सिद्धू तो वधिया बंदा तो है ही नहीं दुनिया च, कोई सच्चा सुचा इंसान है उन्हें तो वधिया बंदा कोई नहीं दुनिया। मैं अपनी लाइफ च उन्हें तो सच्चा सुचा आदमी कोई नहीं देखा, ये तो वह मैं कुछ भी नहीं। मैं तो कह रही हूँ क्योंकि सब तो पहला तो किसान यूनियन के जो लीडर्स है उन्होंने ही बैठांगे है ना, उन्होंने ही बैठ के फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर रिपील ऑफ फार्म लॉज। रिपील ऑफ फार्म लॉज तो करनी पैनी है, उस तो बाद की गल कर रही हूँ मैं। साल दो साल तो बाद बैठ के जदों सलाह करेंगे भी किवें इनू अगे लैके जाना चाहिए। फिलहाल ये एक्ट बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनू लीगली पता कर लो। मैं थोनू पूरी ओदा डिटेल दे सकती हाँ किहड़े किहड़े सैक्शनज इस इलीगल है। मैं बड़े वड्डे वड्डे वकीलों नाल बैठ के डिस्कस किया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है ये, बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकते, ये अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती जब तक ये विदड्रॉ नहीं होंगे। सो पहला दूसरा सवाल लड़ो तुम आख्या कि जो दिल्ली में बैठे महिलावान ने किसानी धन वो सारे साड़ी जाट महासभा का ही हिस्सा अभी बनावे बनाने की कोशिश करें। राज्यसभा का मेंबर था और बीजेपी का आदमी था, ये आप गलत कह रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस कोई वो नहीं है, भी कांग्रेस का था सर छोटू राम कांग्रेस के नहीं थे, उनकी अपनी यूनियनिस्ट का पार्टी थी। एक मिनट, तो ये आप गलत कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी हैं, इसमें कांग्रेस का कोई सवाल नहीं। ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है, जो जाट के घर पैदा हो गया वो हमारी संस्था का मेंबर है। हम किसी से चिंता नहीं करते। एक मिनट ठहरो, मैं आज आपको बताता हूँ इनको प्रधान बनाया पंजाब का, ये बहुत तरक्की करेंगी। उसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब हमने प्रधान बनाया शिमले में ऑल इंडिया का, तो रात को सोनिया गांधी ने उसको बुला लिया था, एमपी था वो, उसको डिप्टी वो बनाया गया पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर। उसके बाद
वो कांग्रेस से नाराज था, उसको प्रेसिडेंट बनाया गया, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैडम जो इसको भी कुछ ना कुछ, इस जाट सभा का ये बहुत बड़ी संस्था है, उसकी प्रधान बनी है स्टेट की, इनको बहुत फायदा होगा, देखना आप क्या होगा। एक बात मैं कहनी भूल गया, पहले बहुत सारे लोगों को ये वहम है कि कैप्टन साहब कांग्रेस के सीएम हैं, लेकिन आप नोट कर लें, जितने भी मेरे भाई आए हैं, हमारी संस्था नॉन पॉलिटिकल है, कोई भी अकाली आदमी या अकाली पार्टी का, आप पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, किसानी के साथ संबंध रखता हो, जाट बरादरी के साथ संबंध रखता हो, उसका हमारी संस्था में स्वागत है, स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू जी, तो हम एक साल च की कर सकते हैं, तुम कहोगे हम उन्होंने इंडक्शन हो रही है उन्होंने, तो वो की कर लेंगे एक साल च, नवजोत सिद्धू ने अज तक कोई भी पोजीशन अपने फायदे लिए नहीं लेती, बड़ा क्लियर है। जे अज 40 करोड़ की आमदनी छड के इत्थे बैठा है तो जा भी नहीं रहा नौकरी करन, तो उसका मतलब की है कि किसानों को गलत मैसेज ना चले जाए कि मैं नॉन सीरियस हाँ, पंजाब बारे नॉन सीरियस हाँ। नवजोत सिद्धू वो पोजीशन एक्सेप्ट करता है जिदे नाल उन्हों लगता है पंजाब का भला कर सकता है, ना उन्हें पहला कोई पोजीशन लिती है, ना आने वाले समय च वो कदे भी कोई ओही जी पोजीशन लवेगा जिदे नाल वो पंजाब का भला नहीं कर सकेगा। सानू कुर्सियां नहीं चाहीदियां, बहुत ज़्यादा क्लियर है, कुर्सियां चाहीदियां होंदियां तो हूँ 10 साल के यूनियन मिनिस्टर होंगे, कुरुक्षेत्र तो इलेक्शन लड़ लेंगे, दिल्ली तो लड़ लेंगे, पंजाब छड़ के नहीं गए, पंजाब के लोगों नाल खड़े हाँ, पंजाब के भले लिए कुछ मिलेगा तो जरूर करांगे, नहीं तो ऐसा सच्ची बहुत बेहतर है। Any question? बस चाचू बना दिया।